हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो पे आप देखेंगे वैदिक मैथ्स। सो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्रिस क्रॉस टेक्निक सीखा था, तो वहाँ पे टू डिजिट टाइम्स टू डिजिट को कैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रिस क्रॉस टेक्निक यूज़ करके, वो देखा था। यहाँ पर हम उसी का थोड़ा एक्सटेंशन देख रहे हैं। यहाँ पर थ्री डिजिट टाइम्स टू डिजिट, कौन सा भी थ्री डिजिट टाइम्स टू डिजिट को कैसे करें, वो यहाँ पे इस वीडियो पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे भी हमें कोई प्री कंडीशंस नहीं है, आपका जो भी थ्री डिजिट नंबर है आप ले सकते हैं और दो डिजिट का मल्टीप्लिकेट ले सकते हैं। तो पहला हमें थ्री डिजिट टाइम्स टू डिजिट को हम कन्वेंशनल मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझे, फिर हम देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट को हम हमारे इस क्रिस क्रॉस टेक्निक में कैसे यूज़ करते हैं वो आप देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने तीन नंबर्स लिया और नीचे के दो नंबर्स लिया। जब भी हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला वाई को सबसे एबीसी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को एबीसी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ए एक्स लिख देंगे। नेक्स्ट हमें ए वाई प्लस बी एक्स को ऐड करना होगा नेक्स्ट वाले आने के लिए। नेक्स्ट वाले आने के लिए हमें बी वाई प्लस सी एक्स को ऐड करना होगा, नेक्स्ट सी वाई लिखना होगा। तो ये है हमारा फाइनल टर्म। तो यहाँ आप ध्यान से देखे जाए तो दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस हो रहे, पहला ए बी एक्स वाई के बीच में, ठीक है, ये वाला क्रॉस एडिशन चल रहा है। नेक्स्ट बी सी एक्स वाई के बीच में, ठीक है, ये वाला एक क्रॉस मल्टीप्लाई का एडिशन चल रहा है, ठीक है। तो बाकी सभी सेम ही है, जैसे कि हमारे पिछले एग्जांपल में हमने किया था वैसे ही यहाँ पे भी उसी प्रोसेस में हम करेंगे। तो बट जो बीच का ये है उसमें दो क्रॉस टेक्निक्स आते हैं, ठीक है। तो हम थोड़े एग्जांपल्स लेके इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहला नंबर लिया था 336 टाइम्स 45, कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई प्री कंडीशन नहीं, बट कंडीशन यही है कि थ्री डिजिट टाइम्स टू डिजिट। तो क्या करना होगा, पहला स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हम करेंगे 4 3 12। तो बीच के जो है वो हम छोड़ देंगे, बाद में करेंगे। नेक्स्ट 6 5 30 है, ठीक है। नेक्स्ट 3, हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो 3 5 15, 4 3 12, सो 15 प्लस 12 हमें आएगा 27, ये एक क्रॉस एडिशन होगा। नेक्स्ट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड किया जो वैल्यू है वो वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू 3 15 प्लस 6 4 24, अगर इसको ऐड करते हो तो आपको 39 आएगा। अब जो भी वैल्यू आए थे उसको हमें बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस हम कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बैलेंस सिखाया था। राइट मोस्ट डिजिट को एज इट इज लिखना है, नेक्स्ट टेंथ प्लेस में जो वैल्यू है नेक्स्ट उसे ऐड करना चाहिए, मतलब 39 प्लस 3 विच इज़ 42। सो 2 को रखेंगे, 4 हमें 27 को ऐड करना होगा, 31 आएगा। तो 1 को लिखेंगे, फिर वो वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू पे ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर है 15120। नेक्स्ट 4 4 16, 4 8 16, बीच में जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाहिए, ठीक है। 4 8 32 प्लस 4 4 16, तो अगर आप ऐड करेंगे तो हमें आएगा 48। नेक्स्ट वैल्यू अगेन 4 8 32 एंड 4 2 8, सो 32 प्लस 8 मतलब 40 है, ठीक है। 40 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, बस ये राइट साइड वैल्यू को हम एस्टेज लिखेंगे, 1 को इससे ऐड करेंगे 40 प्लस 1 41, फिर को 4 हमें इससे ऐड करेंगे 48 प्लस 4 विच इज़ 52, तो 5 को यहाँ पे ऐड करेंगे हमें 16 प्लस 5 विच इज़ 21। तो जो भी आंसर हमें आया है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, बस इतना सिंपल है। तो फिर से और थोड़े प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। पहला जो है स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए दोनों साइड पे, 6 2 12 एंड 4 8 32। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाहिए, 6 8 48, 6 2 12, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू आएगा 60। नेक्स्ट फिर से और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना चाहिए, 6 8 48, 4 2 8, तो 56, यहाँ पे 56 लिखना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट हम इसको ऐड करेंगे 259, 65, then 18। तो यही आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे 18592। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। 678 times 72। तो यहाँ पे 6 7 का 42। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ऐड करना चाहिए। 8 2 16, नेक्स्ट 6 2 12, 7 7 49। सो 49 + 12 होगा 61। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें आने वैल्यू है, हमें जो वैल्यू आना है वो है 7 2 14 + 7 8 56। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आएगा 70। तो इसको हम बैलेंसिंग करेंगे, 671 1 7 ऐड करते हो तो 68, 6 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 48। तो आंसर है हमारा 48816। नेक्स्ट क्वेश्चन 338 times 37। तो यहाँ पे स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन पहला, 3 3 9 और 7 8 56। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड, 7 3 21 + 3 3 9, सो विच इज़ 30। नेक्स्ट तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, 7 3 21 + 8 3 24, तो 45 है। अभी हम बैलेंसिंग करेंगे 6, सो 45 + 5 50 0 35 30 + 5 35, तो 5 और 3 यहाँ पे जाएगा 12। तो आंसर है हमारा 12506। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन, 7 4 28 6 2 12, नेक्स्ट 4 2 8 7 4 28। तो अगर ऐड करेंगे तो 36, यहाँ पे 36। नेक्स्ट यहाँ पे 4 2 8 7 6 42, तो 50 आएगा। अभी हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, 2 51 5, तो इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 41, तो फिर से 1 लिखना चाहिए। और 4 को 28 से ऐड करना होगा, 28 + 4 विच इज़ 32। तो यहाँ पे आंसर है 32112। तो इसको यहाँ पे लिख देना चाहिए 32112। नेक्स्ट हम देखेंगे और थोड़े क्वेश्चंस, या तो इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं, 8 2 16 4 3 12 है। ठीक है, नेक्स्ट 4 8 32 8 2 16। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे तो हमें 48 आएगा। नेक्स्ट 8 4 32 2 3 6 विच इज़ 38, तो यहाँ पे लिख देना चाहिए। नाउ अभी हमें इसे बैलेंसिंग करना होगा, 2 39 9 3 3 को अगर 48 को ऐड करते हैं तो हमें आएगा 51, तो 1 लिखना चाहिए, 5 यहाँ पे ऐड करना चाहिए, तो हमारा आंसर है 21। तो फाइनल आंसर है हमारा 21192। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इस वाला क्वेश्चन, 9 3 27 एंड देन 9 6 54 + 21, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 54 + 21 विच इज़ 75। नेक्स्ट हमें 7 6 42 + 3 2 6, तो ऐड करेंगे तो हमें 48 आएगा। तो अभी हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, 2 48 + 1 49 4 79 7, तो 34। तो हमारा आंसर है 34992। नेक्स्ट क्वेश्चन, 654
टाइम्स 34, तो यहाँ पे 6 3 18, नेक्स्ट 4 4 16, नेक्स्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 6 4 24 प्लस 5 3 15, दोनों ऐड करेंगे तो हमें होगा 39, एंड देन 20 प्लस 12 विच इज़ 32, तो 32 है। नेक्स्ट हम वैल्यू एस्टिस बैलेंस करके रखेंगे, थोड़े एस्टिस थोड़े बैलेंस करके रखेंगे, 6 3 2 22, तो हमारा आंसर है 2 2 2 3 6। सो ये है आज का वीडियो, आई होप आपको सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।